मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम अंजन गांव में 26 अक्टूबर को पेट्रोल टैंक ब्लास्ट में भीषण हादसे में बुरी तरह से झुलसे मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इस घटना में शनिवार को एक ही दिन में इंदौर MY में भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार अब तक इस घटना में 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बाप और बेटा भी शामिल है। उधर इस घटना से आदिवासी अंचल में मातम का माहौल है। गांव में जब यह खबर मिली तो कई घरों में कोहरामा मच गया। रविवार को मृतकों के शव जब गांव पहुंचे तो चारों ओर मातम पसरा नजर आया। कलेक्टर SP भी गांव में पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। MY अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भैया, ये मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है? आज मरने वालों की संख्या 7 है और टोटल, जिसमें एक महिला है और बाकी बच्चे हैं और पुरुष भी। टोटल कितने हो गए? टोटल 8। ये कलेक्टर साहब आए थे, क्या बोला इन्होंने? माननीय कलेक्टर महोदय ने आज सुबह 8 बजे घटना स्थल अंजन गाँव पहुँचे और मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की बात कही और 7 दिवस के अंदर अंदर उनके देने का वो बोल के गए हैं। और 25-25 हज़ार रुपये का चेक रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से उनको दिया गया है और 10-10 हज़ार रुपये उनको दाह संस्कार के लिए तत्काल राशि नगद प्रदान। और बच्चों को योजना में कहीं लेंगे क्या? बच्चों को योजनाओं में, जैसा कोई स्कूल में इनका उनके कोई मृतक के परिवार से पढ़ने वाले बच्चे, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी में पढ़ाने की उनके जिम्मेदारी का उन्होंने बताया है। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए उनको स्थापित करने का भी उन्होंने। ये प्रधानमंत्री आवास देंगे सभी को? प्रधानमंत्री आवास की भी उन्होंने बात की है कि जो लोग जिन निवास रहते हैं उनके झोपड़े वगैरह हैं उनको प्रधानमंत्री आवास देने के लिए कहा गया है। क्या नाम है आपका? उमराव सिंह वास्कले, अंजन गांव सरपंच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।